Hey guys, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी कोर्स की ए टू जेड पूरी डिटेल्स। तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनका 12th साइंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और डिसाइड कर रहे हैं बीएससी करने का, बीएससी चाहे आप किसी भी फील्ड में कर रहे हो, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके काम आने वाला है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीएससी से जुड़े जितने भी आपके दिमाग में डाउट है सबके सब एक सिंगल वीडियो में दूर होने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखिएगा। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो बढ़ते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है सुनील अधिकारी, मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये हमारी स्लाइड्स को हमने अरेंज करा है। सबसे पहले पॉइंट्स आएंगे, फिर डिटेल्स मैं आपको समझाने वाला हूं। कोर्स का नेम बैचलर ऑफ साइंस से बताने की जरूरत नहीं है, बीएससी इस कोर्स को बोला जाता है। ड्यूरेशन 3 या 4 साल, 3 या 4 क्यों? देखिए बहुत सारे कॉलेजेस ने स्टार्ट कर चुके हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू बीएससी को 4 साल का विद रिसर्च प्रोवाइड कराना, जो कि अच्छी बात है। चौथा जो आपका साल होने वाला है, एडिशनल ईयर होने वाला है, वहां पर रिसर्च होगी, वहां पर इंटर्नशिप वगैरह होगी, तो एक ये अच्छा साइन माना जाता है। तो अगर आपके कॉलेज में 3 साल का है तो बताइएगा कमेंट करके, अगर 4 साल का हो चुका है तब भी बताइएगा कि सर हमारा कॉलेज का ये नाम है और यहाँ पर 4 साल का हो गया है, ताकि और बच्चों को भी अवेयरनेस हो सके कि उनके कॉलेज में बीएससी कितने साल का हो रहा है। 3 साल का हो या फिर 4 साल का हो, दोनों की ही इक्वल वैल्यू है मार्केट में। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो सिंपल सी एलिजिबिलिटी है, 10+2 साइंस स्ट्रीम से आपका होना चाहिए। पीसीएम के हैं, पीसीबी के हैं, पीसीएमबी के हैं या फिर पीसी एग्रीकल्चर के हैं, पीसीए के हैं, सबके सब स्ट्रीम के बच्चे बीएससी कोर्स को करने के लिए एलिजिबल होते हैं। पॉपुलर स्पेशलाइजेशन, अच्छा बीएससी जब आप करते हैं तो डिफरेंट यहां पर आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है, 50 से ज्यादा स्पेशलाइजेशन। लेकिन आपको जिस स्पेशलाइजेशन में बीएससी करना है वो उस कॉलेज में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं है या नहीं, ये सबसे पहले मतलब एडमिशन से पहले आपको पता करना है। सबसे पॉपुलर जो बीएससी की स्पेशलाइजेशन है उनमें से कंप्यूटर साइंस आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, साइकोलॉजी, बोटनी, एग्रीकल्चर, नर्सिंग। ये कुछ ऐसी बीएससी की स्पेशलाइजेशन है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे अच्छे कैरियर ऑप्शंस इन स्पेशलाइजेशंस में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, चलिए बीएससी का एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। 2 तरीके से एडमिशन मिलता है, एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन मिलता है। एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के सब में एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन मिलता है। कुछ प्राइवेट ऐसे कॉलेज हैं जहां पर आपको मेरिट बेस्ड एडमिशन मिल जाएगा, मतलब 12th में अगर आपकी अच्छी परसेंटेज थी तो उसके बेसिस पर भी प्राइवेट कॉलेजेस आपको ऑफर करते हैं। लेकिन अगर आप डीयू से करने जा रहे हैं, बीएचयू से करने की सोच रहे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो टॉप के कॉलेजेस आते हैं उनके थ्रू अगर आपको जाना है तो CUET UG आपको देना पड़ेगा, या फिर उनका कोई स्पेसिफिक एंट्रेंस होगा कॉलेज का, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो करना क्या है आपको, नेशनल लेवल जैसे कि CUET UG की तैयारी करनी है, और ये तैयारी कोई भी बच्चा कर सकता है, एक सर्टेन कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ता है। ठीक है, चलिए टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे बीएससी के। तो यहां पर ISC बैंगलोर, सेंट स्टीफन दिल्ली, लॉयला कॉलेज चेन्नई, प्रेसिडेंसी कोलकाता, मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि टॉप करते हैं NIFH की रैंकिंग में, या कोई भी प्राइवेट आप रैंकिंग चेक करेंगे तो ये टॉप 5 टॉप 10 में कॉलेजेस आपको नजर आते हैं। ठीक है, एवरेज कोर्स फी बीएससी करने में कितना पैसा लगता है, देखिए हर स्पेशलाइजेशन की फीस अलग होती है, फिर भी इन जनरल बात करें तो 10,000 से लेकर 10,000 मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस बहुत कम होती है, 1 लाख के अंदर अंदर आपका बीएससी हो जाता है। वहीं पर प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 2 से 3 लाख रुपए होती है टोटल बीएससी करने की। ठीक है, सब्जेक्ट बात करेंगे करिकुलम में तो डिपेंड करता है आपने किस स्पेशलाइजेशन को चूज करा है, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, नहीं तो जो कोर होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स वगैरह, वो आपका बेसिक लेवल पे रहता ही रहता है। फिर जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो आपके स्पेशलाइजेशन में डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सी स्पेशलाइजेशन से अपना बीएससी कोर्स परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, फर्दर स्टडी की बात करें कि अगर बीएससी कंप्लीट हो जाए तो फिर क्या करें सर, तो आप एमएससी कर सकते हैं, उसका बड़ा भाई, आप मैनेजमेंट में कैरियर बनाने के लिए एमबीए कर सकते हैं, आप कंप्यूटर फील्ड में कैरियर बनाने के लिए एमसीए कर सकते हैं, आप रिसर्च फील्ड में कैरियर बनाने के लिए पीएचडी जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात करें कि सर किन किन एरियाज में आप जॉब कर सकते हैं, तो ये भी डिपेंड करेगा कि आपने किस
किस फील्ड में अपना अपना बीएससी कंप्लीट करा है, क्या आपने मेडिकल फील्ड में करा है तो हेल्थ केयर में कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में कर सकते हैं, अगर कंप्यूटर साइंस में करा है तो आईटी और सॉफ्टवेयर में वर्क कर सकते हैं, अगर आपने बीएससी वगैरह किसी रिसर्च रिलेटेड फील्ड में करा है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बायोटेक, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट रिसर्च लैब, तो ये डिपेंड करेगा कि आपने अपना बीएससी किस फील्ड में करा है, उस फील्ड से रिलेटेड जॉब आपको मिलने में काफी आसानी रहती है। अगर हम एवरेज स्टार्टिंग सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी भी डिपेंड करेगा। देखिए सैलरी तीन चार चीजों में डिपेंड करती है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी, इसलिए अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहला है किस कॉलेज से आप अपना बीएससी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस कॉलेज में प्लेसमेंट है या नहीं, अगर अच्छा कॉलेज होगा तो वहां पर प्लेसमेंट आएगा, उस प्लेसमेंट में मतलब इंटरव्यू में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। इंटरव्यू में परफॉर्म करने के भी अलग अलग तरीके हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखा जाता है, ठीक है, आपका मतलब ग्रेडिंग सिस्टम देखा जाता है, आपने कितनी परसेंटेज मेंटेन करी है, कितना अच्छा आपका इंटरव्यू करा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है आपकी, ठीक है, आपकी लोकेशन क्या है, आपको जॉब कहां पर मिल रही है, कितनी अच्छी, क्या कंपनी का नाम है, क्या रेपुटेशन है, उसके बेसिस पे ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अगर आपका सब कुछ बढ़िया है तो आप इजीली 4 to 6 lakh पर एनम से अपने कैरियर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आपका कॉलेज भी अच्छा नहीं है, कॉलेज अच्छा नहीं होगा तो प्लेसमेंट नहीं लगेगा, आपको खुद ही अपने लेवल पे सर्च करनी पड़ेगी, उस केस में 3 lakh से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है, 3 lakh पर एनम से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है, या फिर किसी केस में उससे भी कम से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है, लेकिन उस केस में भी स्टार्टिंग करनी जरूरी है। ये सोच के नहीं बैठना है कि 50-60 हजार की जॉब लगेगी तब से ही मैं अपनी कैरियर की स्टार्ट करूंगा। बीएससी के लिए या बीएससी जो भी बच्चे कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं और अच्छे कॉलेज से नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा फ्री टाइम अगर आपके पास है तो उन हर एक बच्चे को मैं रिकमेंड करता हूं कि कोई ना कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज जरूर करें। इससे होगा क्या, आप अपने सीवी में रिज्यूमे में दिखा पाएंगे कि आपने सिर्फ बीएससी नहीं करा, उसके साथ साथ अपने अपने स्किल सेट को इंप्रूव करा है। एआई के, एमएल के शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, डाटा साइंस के शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग के हैं, वेब डेवलपमेंट के हैं, प्रोग्रामिंग के हैं, जो भी आपको सही कोर्सेज लगते हैं अपने इंटरेस्ट रिलेटेड, बीएससी के साथ बहुत जरूरी है कि उन शॉर्ट टर्म कोर्सेज को करें अगर आप टॉप 10 कॉलेजेस से अपना बीएससी नहीं कर रहे हैं इंडिया, ठीक है, बहुत जरूरी हो गया आज के समय में। आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज के मेरे वीडियोस देख सकते हैं, बीएससी के ऊपर भी मैंने शॉर्ट टर्म कोर्सेज के वीडियो बनाए, वो आप देख सकते हैं, या फिर इन जनरल इस चैनल पे आपको अलग अलग कैरियर डेवलपमेंट वीडियोस मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन है बीएससी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, बहुत ही जल्द बीएससी के सिलेबस के ऊपर भी वीडियो आने वाला है, उसका आप वेट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।